महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को लेकर एक अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि अनिल देशमुख जो है वो तो पहले से ही पूरी तरह से फंस चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो तो खुद तो फंसेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कई जो उनके साथ में रिश्तेदार, जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, उनको भी अपने साथ में लेकर जाएंगे। क्योंकि आज जो है एजेंसी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ईडी, जिसने कुछ दिन पहले ही अनिल देशमुख के खिलाफ FIR दर्ज किया था, उन्होंने तीन जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं अनिल देशमुख के, उनके घर पे छापा मारा। आपको बता दूं कि ये जो छापा मारा गया था, ये अनिल देशमुख के बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं और ये सारे के सारे लोग जो है, सारे के सारे लोगों का जो घर है वो नागपुर में था। तो नागपुर के तीनों लोगों के घर पे जो है छापा मारा गया और अभी तक ये नहीं बताया गया कि वहाँ से क्या मिला, लेकिन ईडी की टीम से ये जरूर अपडेट दी गई जिसमें बताया गया कि अनिल देशमुख के साथ में ये जो इनके करीबी थे, इनके कई बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जो है ऑनलाइन किए गए थे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उनको शक है कि आखिरकार ये ट्रांजेक्शन क्यों किया गया था, क्या ये इसमें भी कुछ इनवैलिड तरीके हैं या लीगल तरीके का ये ट्रांजैक्शन है। इन्हीं सब चीजों को जांच करने के लिए ईडी की टीम ने इनके तीन के तीनों करीबियों के ऊपर छापा मारा और साथ में ये अभी इन तीन के तीनों करीबी जो हैं उनका नाम पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन ईडी ने तीन के तीनों लोगों पे छापा मारा था। इस चीज की अपडेट जरूर दी गई है पब्लिक के सामने, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि अब जो है ईडी ने अनिल देशमुख के ऊपर शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया। सीबीआई के ऊपर कई चीज़ें मजबूर है सीबीआई, या हो सकता है छानबीन कर ही रही होगी, लेकिन सीबीआई के ऊपर कई ज़्यादा प्रेशर भी बनाया गया है जिसकी वजह से सीबीआई की जांच में कुछ बड़ी अपडेट आ नहीं रही है। लेकिन अब ईडी ने जो FIR दर्ज किया है उस पर छानबीन होनी स्टार्ट हो गई है। साथ में ही आपको जैसा कि मैंने मॉर्निंग में अपडेट दे ही दी थी कि एक जो है बार का जो ओनर है, अधेरी का जो बार का ओनर है, उसको भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था कल और उससे भी पूछताछ किया है। साथ में ही कई और बार जो ओनर हैं उनको सम्मन भी भेजा गया है ईडी के द्वारा। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पे एजेंसी और किन किन के ऊपर छापा मारती है और क्या कार्रवाई करती है, और सबसे मेन बात जो इसमें आती है वो अनिल देशमुख का अरेस्ट। तो आखिरकार अनिल देशमुख को किस टाइम अरेस्ट किया जाएगा वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। आपका क्या ओपिनियन है ईडी की इस बड़ी कार्रवाई पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।